नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, आज हम आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। वो खुशखबरी ये है कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल स्टारर फ्रेंचाइजी हेरा फेरी पार्ट 3, जो लंबे समय से चर्चा में थी और बीच में ये माना जा रहा था कि फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी नहीं होंगे और पूरी फिल्म हेरा फेरी 3 नई स्टार कास्ट के साथ फिल्माई जाएगी। बीच में अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम का नाम भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल में देरी होने की वजह से दोनों ने ही फिल्म से दूरी बना ली थी। लेकिन 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 दोस्तों, आपको बता दें कि हेरा फेरी 3 की कास्टिंग में अब कोई बदलाव नहीं है। जिस तिकड़ी ने दर्शकों को हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में हंसाया था, वही तिकड़ी हेरा फेरी 3 में भी नजर आएगी। लिहाजा अब वापस पुरानी कास्टिंग को फाइनल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इस हेरा फेरी पार्ट 3 में आपको अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल दिखाई देंगे। फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही रिलीज डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। साथ ही फिल्म की एक्ट्रेसेस का भी नाम सामने आएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि इस कॉमेडी सीरीज में पहले नीरज वोरा ने ही इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद बागी 2 के निर्देशक अहमद खान को हेरा फेरी 3 का निर्देशन करने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। तो कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल की सफलता के बाद इंद्र कुमार को अप्रोच किया गया है, अब वो ही इस फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे। टोटल धमाल की सफलता के बाद इंद्र कुमार फिर हेरा फेरी को डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म में वो VFX का खूब इस्तेमाल करेंगे। इस फिल्म का बजट भी काफी बड़ा होने वाला है दोस्तों। जब इंद्र कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब वो इन सब चीजों के आदि हैं और स्पेशल इफेक्ट्स उनकी इस हेरा फेरी 3 का प्रमुख आकर्षण होंगे। फिरोज नाडियाडवाला के बैनर तले ये फिल्म काफी बड़े स्तर पर शूट होने वाली है और ये हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की सबसे बिग बजट फिल्म होगी। तो चलिए दोस्तों, हमें भी इंतजार रहेगा इस कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 का और देखते हैं इस फिल्म में बाबू भैया इस बार क्या जलवे दिखाते हैं।